हेलो सर वो राइट साइड में थोड़ा नहीं दिख रहा, अच्छा मतलब क्लियरिटी ठीक ओ सर। आप दिख रहा होगा। सर ओके कहाँ तक हो गया था पिछले क्लास? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अच्छा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। बोले थे एक टेबल बनाएंगे, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। एक कॉलम ये बना दीजिएगा, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और इधर एक बना दीजिएगा दैट वन इज डी एक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्ट। इसमें कुछ ग्रुप लिख लीजिएगा, जैसे ओ माइनस, एन एच माइनस, ओ एच, NH2, OR, OC double bond, NH2, NH2 ये सब कैसे ग्रुप हैं? एक्टिवेटिंग है और साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। और इसमें आपको एक याद करने के लिए बोले थे हाइलोजन्स। आपको पता होगा कि हाइलोजन्स के अंदर क्या होते हैं। हैलोजन्स के अंदर अगर माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एन, तो जब रिएक्टिविटी की बात आती है तो इसका माइनस आई जो होता है दैट वन इज डोमिनेटिंग फैक्टर्स, बट जब डायरेक्टिविटी की बात आती है तो इसका प्लस एन डोमिनेट कर जाता है। इसलिए लिखा गया डी एक्टिवेटर है। डी एक्टिवेटर जनरली मेटा डायरेक्टर होते हैं, मतलब डी एक्टिवेटर के साथ साथ कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ऑल हैलोजन्स आर डीएक्टिवेटर बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें कुछ ग्रुप लिखा देता हूं, जैसे डीएक्टिवेटिंग और साथ साथ मेटा डायरेक्टर्स हैं, जैसे एनओ टू हो गया, जैसे सीएचओ हो गया, सी डबल ओ एच हो गया, और कुछ ग्रुप का नाम बता देता हूँ, जैसे सीएन हो गया, साइनाइड, और देखो जैसे सी डबल ओ आर, फिस्टर। तो ये सब कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, और भी बहुत सारा हो सकता है जो डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ मेटा डायरेक्शंस हैं। तो ये टेबल्स आप बना दीजिए। सर
लिख लिए टेबल? यस। चलो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद आगे ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे है अगर अभी इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा तो कौन कौन सा पोजीशंस पर जाएगा बताओ। ये ओ माइनस कैसा ग्रुप है? ओ माइनस कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो बिल्कुल, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशंस पर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा और एक बार पैरा पोजीशंस पर जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसमें ध्यान रखना है ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं ये मेजर होते हैं और ये वाला क्या होता है, माइनर होता है, क्योंकि ओ माइनस एक छोटा ग्रुप है। अगर ये बड़ा ग्रुप होता है ना, ये ओ माइनस अगर बिगर ग्रुप होता तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन होता, उस केस में मेटा प्रोडक्ट मेजर हो जाता। जैसे और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ देखो, जैसे मान लो अगर यहाँ पर आर ग्रुप है और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स आ रहा है तो इस केस में क्या होगा, दोनों ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप जनरली कैसे होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप में ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, वो जो टेबल बनाया आप लिख लीजिएगा कि ये आर ग्रुप भी कैसे हैं, एक्टिवेटर के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से, तो आर आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, लिखे ना ओ माइनस एन एच माइनस एन एच टू ओ एच, तो उसमें आर भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ये अल्काइल ग्रुप भी क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं और एक्टिवेटर के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें इस ये प्लस आई ग्रुप है, हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आपका एक बार ऑर्थो पोजिशंस पर आएगा और एक बार पैरा पोजिशंस पर आएगा। तो देखिए इस केस में भी क्या, ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आर शुड नॉट बी मिथाइल, आर मिथाइल नहीं होना चाहिए। अगर आर मिथाइल नहीं होगा मतलब इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल्स होगा, ये सब बल्की ग्रुप होते हैं। बल्की ग्रुप के केस में क्या होता है, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन कॉज करना शुरू हो जाता है। क्या, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन शुरू हो जाता है। स्टेरिक रिपल्सन शुरू हो जाने के कारण पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाता है और ये माइनर हो जाता है। ये क्या हो गया, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। क्यों मेजर हुआ, क्यों माइनर हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन, ये आर ग्रुप और ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है उसके बीच स्टेरिक रिपल्सन लगना शुरू हो गया, स्टेरिक रिपल्सन के कारण अनस्टेबल हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। अगर आपका आर मिथाइल होता है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, इस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है एज कम्पेयर टू पैरा प्रोडक्ट, तो ये भी बात ध्यान रखना है। और जैसे ग्रुप जैसे NH2 हो गया और इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा बताओ, NH2 ग्रुप के केस में कहाँ कहाँ प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल्स जाएंगे? NH2 कैसा ग्रुप है, NH2 कैसा ग्रुप है, पता नहीं। हाँ एक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पोजीशन पर एक बार ऐड कर देना है और एक बार पैरा पोजीशन पर ऐड कर देना है। इस केस में ध्यान रखना है यहाँ पर भी स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो लिख लो जल्दी था ये सब, जैसे और कुछ एग्जांपल करा दो।
OCH3। अभी इलेक्ट्रोफाइल से आएगा तो कौन सा पोजीशन पर जाएगा? आपको ये बता चुका हूँ कि ये कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में है, तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा और एक बार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर जाएगा। और आपको पता है कि ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप के कारण स्टेरिक रिपल्सन, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये भी लिख लीजिए। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स करा दिया। जैसे अगर ये बताओ इस केस में अगर ये NO2 होता तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोजीशन पर जाता? ये कैसा ग्रुप है? NO2 इज एन एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर, तो मेटा डीएक्टिवेटर। हाँ, डीएक्टिवेटर। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल विल गोज टू मेटा पोजीशंस, ओनली वन प्रोडक्ट्स। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, तो उस केस में हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये लिख लीजिए जल्दी सा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मान लो कि बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लगा होगा तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोजीशन पर डायरेक्ट होगा, अभी ये देखना है। तो पहला हम लेते हैं कि अगर मान लो कि दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो पहला है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पहला, और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ग्रुप वन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ग्रुप टू, ये बता दिया गया है, लेट इट बी ऐसा बता दिया गया है। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोजीशन पर जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि किसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है, ये इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल गोज टू ऑर्थो पैरा डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईडीजी। तो क्या इसमें क्या लिखना है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है विल गो टू ऑर्थो पैरा पोजीशंस, ऑर्थो पैरा पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फर्स्ट, इसके इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगा। दूसरा सिनारियो देखो, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल विल गोज टू ऑर्थो पैरा पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तीसरा केस ये भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वन है और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टू है, और इसमें यह बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर फर्स्ट का ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर सेकेंड का, यह बता दिया गया है। तो इस केस में ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल विल गोज टू मेटा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट, तो इस केस में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू मेटा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, EWG1। तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट लिखो, क्वेश्चन कराएंगे उससे और आपको समझ में आएगा।
चलो लिख लिए, इसको मिटा के क्वेश्चंस कराते हैं। क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये तीनों पॉइंट लिखो जल्दी सा कॉपी में, लिख लिए मिटा दें। चलो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है दैट इज OCH3 और एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल। दोनों कैसे ग्रुप हैं बताओ, दोनों कैसे ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स पहला केस करा रहा हूँ, पहला केस। तो अभी आपको बताना है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट होते हैं, मतलब इसमें OCH3 के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सा है बताओ, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन। देखो इधर ब्लॉक है, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकते हैं या तो ये पोजीशन पर आ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। यहाँ वाला माइनर क्यों, यहाँ वाला माइनर क्यों होगा, क्योंकि OCH3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पर होने के कारण फेरिक रिपल्शन होगा, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट, ये यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट, समझ रहे हो ये चीज। तो इसलिए हम यहाँ पर बड़ा एरो से दिखा दिए, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा और ये माइनर प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इस केस में क्या, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये भी है, ये भी माइनर प्रोडक्ट देगा, ये भी अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पर ऐड करने पर रिलेटिवली क्या होगा, रिलेटिवली थोड़ा सा मेजर प्रोडक्ट, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर बड़ा एरो बना दिया, सबसे माइनर प्रोडक्ट तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल्स होगा तो OCH3 के रिस्पेक्ट में भी स्टेरिक रिपल्शन होगा और CH3 के रिस्पेक्ट में भी स्टेरिक रिपल्शन। तो इस पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट विल बी वेरी वेरी माइनर, और इन दोनों में बता रहा हूँ ये वाला रिलेटिवली थोड़ा मेजर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दिस। चलो अगर यहाँ पर इस पोजिशन में बताओ, इसमें तो एक ही पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो यहाँ पर आपको मजबूरी बस यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला, क्या समझ रहे हो ये चीज, समझ में आ रहा है या नहीं? Yes. चलो ओके, अब OHO आखिरी NO2, अब ये कैसा ग्रुप है बताओ, एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग है। तो अभी क्या होगा, एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करना है, एक्टिवेटिंग की मींस OH डायरेक्ट करेगा, OH ऑर्थो पैरा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर माइनर मिलने वाला है और पैरा पोजीशन पर मेजर मिलने वाला है। अगर मान लो इन दोनों को मेटा कर देते हैं तो अभी भी इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट करना है, ये माइनर पोजीशन देगा, ये भी माइनर पोजीशन देगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो रिलेटिवली मेजर मिलेगा। यहाँ पर मजबूरी बस एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करो या यहाँ पर ऐड करो, बात बराबर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं, एक है NO2 और एक है CHO। तो ये दोनों में पहले ये बताओ, ये दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, NO2 और CHO? ये दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? अरे यार पता नहीं है, चलो NO2 में बता देता हूँ, NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू CHO।
तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करोगे और इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर ऐड करोगे, मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो, ये ऑर्थो मेटा, ये पोजीशन पर ऐड करोगे या ये पोजीशन पर, तो यहाँ पर तो माइनर मिलेगा बट यहाँ पर रिलेटिवली मेजर मिलेगा। इसी तरह से अगर देखो, तो अभी क्या होगा इस केस में, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन ब्लॉक है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन हो गया तो क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट, चाहे आप यहाँ पर ऐड करो चाहे यहाँ पर ऐड करो, दोनों इक्विवेलेंट है। तो आपको अब समझ में आ गया कैसे हम ग्रुप को कहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमको इलेक्ट्रोफाइल को कौन सा पोजीशन पर डायरेक्ट करना है, इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो सर, लिख और लिए होंगे, थर्ड केस में कि वो मेटा पोजीशन में ज्वाइन हुआ इलेक्ट्रोफाइल को? क्योंकि देखो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, तो कौन ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, NO2 ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बोल सकते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ कर रहा है और ये ज्यादा विड्रॉ कर रहा है। तो आपको ध्यान करना है, अगर दोनों विड्रॉइंग होगा तो जो, अगर ये दोनों विड्रॉइंग होगा तो दोनों विड्रॉइंग होगा तो ज्यादा विड्रॉ करने का मतलब क्या है, अगर मान लो कि NO2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब यही होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया होगा, समझ रहे हो, NO2 ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम कर दिया होगा, मीन्स रिलेटिवली NO2 के मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा थोड़ा रिलेटिवली, इसलिए मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करता है, इसलिए मेटा डायरेक्टर बोला गया है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो NO2 ज्यादा विड्रॉ करेगा कौन सा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, इसलिए ये NO2 के रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करता है। समझ में आ गया, यस सर। चलो चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, ये NH है और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऐसे। तो अभी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन सा पोजीशन पर जाएगा आप बताओ मुझे, इतना ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रिंग में जाएगा पहले ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में जाएगा या इस रिंग में जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट वाला रिंग में या राइट वाला लेफ्ट रिंग में, क्या लेफ्ट वो क्यों लेफ्ट वाला, क्यों लेफ्ट वाला, क्योंकि ये और तो NS जो है ना पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये जो कार्बोनिल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझ रहे हो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, बट ये NH ग्रुप क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच कर देगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना, तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर देख लो, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में क्या करोगे, ऑर्थो पोजीशन तो रिलेटिवली इसका क्या है, यहाँ पर ग्रुप ऐड करोगे तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, मींस यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऐड करोगे दैट विल गिव द मेजर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर यही हो जाएगा रिलेटिवली, देखो यही प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करते हैं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन पढ़ना है, ये लिख लिए,
चलो उसके बाद देखो, उसके बाद एक रिएक्शन लिखो SN2AR रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ किसका, एराइल या एरोमेटिक हैलाइड की जगह आप एराइल भी लिख सकते हो, एराइल हैलाइड SN2AR रिएक्शन। देखो मैं आपको SN1 रिएक्शन पढ़ाया, याद है SN1 रिएक्शन पढ़ाया, SN2 रिएक्शन भी पढ़ाया, SN2TH रिएक्शन भी पढ़ाया। SN2TH रिएक्शन कहाँ पढ़ाया था बताओ मुझे, SN2TH रिएक्शन कहाँ पढ़ाया था, या पढ़ाया हूँ या नहीं पढ़ाया पहले ये। पढ़ाया हूँ या नहीं पढ़ाया हूँ सर? पढ़ाया है। कहाँ पर पढ़ाया बताओ, कौन सा टॉपिक में पढ़ाए थे पता नहीं, वो जीरेंट रिएक्शन, हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब पढ़ा रहे थे उसी में SN2TH रिएक्शन पढ़ाए थे, SN2TH में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं जो दे जनरली शो SN2TH रिएक्शन, और आज आपको क्या पढ़ाया जा रहा है SN2AR रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन बचा हुआ था वो यहाँ पर अभी कवर हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होते हैं ना, अगर आपको याद हो तो ये बताया गया था ये जो एराइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड ना तो SN1 करते हैं ना तो SN2 करते हैं, क्या है बताया गया था, ये जो एराइल हैलाइड है ये ना तो SN1 करते हैं ना तो SN2 करते हैं। SN1 क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन बनता है दैट वन इज हाईली अनस्टेबल। SN2 क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पे PDCH आ जाता है, इसलिए SN2 भी नहीं करते हैं। बट अभी अभी इसको SN2 रिएक्शन कर रहा है, तो अगर मैं इसका अगर यहाँ पर मान लो कि न्यूक्लियोफाइल को लाऊं तो ये SN2AR रिएक्शन तभी करेगा, उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोगे तभी ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या करेगा, तभी ये क्या होगा SN2AR रिएक्शन, मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा बेसिकली। ये कैसे होता है इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लीजिए अगर आपको समझना है तो। अब यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा देखो इस कार्बन पर अटैक करना चाह रहा है बट अटैक नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पर ये जो बॉन्ड है ना कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम क्या किए हाई टेम्परेचर प्रेशर सप्लाई किए। तो क्या हुआ, थोड़ा अटैक किया, अटैक करने के बाद ये बॉन्ड क्या होता है इधर थोड़ा चलाता है, थोड़ा देर के लिए शिफ्ट हो जाता है, ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। किस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और फाइनली क्या करता है ये बैक, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ गया है और फिर क्या करता है ये बैक डोनेट करता है, क्योंकि अपना ये एरोमेटिसिटी खो गया है, दिया है, बैक डोनेट करता है और ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है।
हैलोजन्स को बाहर निकाल देता है। फाइनली क्या हो गया, इस रिंग से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, इसी को बोलते हैं SN2Ar रिएक्शन। बट ये रिएक्शन रिलेटिवली हाई टेम्परेचर प्रेशर पर होता है, नॉर्मल कंडीशन पर ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से ऐड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको हाई टेम्परेचर प्रेशर सप्लाई करना पड़ता है। चलो ये लिख लिए, अब यहाँ पर देखो अगर मान लो कि ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, अगर NaOH के साथ रिएक्शन हम कराएं, यहाँ पर हाई टेम्परेचर देना पड़ता है अराउंड 360 सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर ऑलमोस्ट 100 टू 200 एटीएम, तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये SN2Ar रिएक्शन शो कर देता है और क्या होगा, फाइनली फाइनली क्या होगा, यहाँ पर OH अटैच होता है। ये OH अटैच नहीं होगा, यहाँ पर O माइनस Na अटैच हो, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, एसिडिक H को रहने नहीं देगा। और फिर फाइनली क्या करते हैं, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं या एसिडिफिकेशन करा दूं तो क्या होगा, O माइनस ये H प्लस को ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डॉ प्रोसेस, क्या बोलते हैं, डॉज प्रोसेस, मतलब इसी प्रोसेस से हम फिनॉल्स को बनाया करते हैं। फिनॉल्स का पहले ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कैसा है, SN2Ar रिएक्शन। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, क्या बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, कौन पूरा नहीं दिख रहा, इधर लास्ट वाला नहीं दिख रहा, नहीं ऊपर वाला, ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं। ये है क्लोरोबेंजीन, इस पर अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है और प्रेशर लगभग आपको 360 है, 100 to 200 एटीएम, तो ये क्या बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड आयन। और फिर फाइनली क्या करता है, इसको अगर एसिडिफिकेशन कराते तो ये एच ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को जो बोला जाता है टॉस प्रोसेस, बेसिकली दिस इज द प्रिपरेशंस मेथड्स ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शंस बेसिकली क्या है, SN2Ar रिएक्शंस, जो कि एक डिफिकल्ट रिएक्शंस होता है, जनरली नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं होता है, इसलिए वी हैव टू सप्लाई हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये नॉर्मल कंडीशन पर क्यों नहीं होता है, आपको ये भी लॉजिक बता दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर देखो, अगर यही रिएक्शन में ये जो क्लोरोबेंजीन था, अगर मैं यहाँ पर NO2 को ऐड कर दूं, यहाँ पर अगर NO2 को ऐड कर दूं और इसका रिएक्शन NaOH से करवाऊं, तो ये NO2 क्या कर रहा है बताओ, NO2 क्या, ये समझ में आ रहा है, ये जो NO2 है, NO2 इस कार्बन पर रेजोनेंस करकर इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जो रिएक्शन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाता है। मतलब क्या समझ में आया, अगर इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये जो लिविंग ग्रुप है उस कार्बन पर
पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा जो ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये रिएक्शंस रिलेटिवली 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है आसानी से अटैक कर देगा और अटैक कर देगा और SN2Ar रिएक्शन फास्टली शो करेगा। और प्रोडक्ट क्या होगा इस केस में भी, इस केस में भी प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, अगर एसिडिफिकेशन भी करवाती है, एसिडिफिकेशन भी करवाती है तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। देखो एक और मजे की बात, क्या मजे की बात, अगर ये सीएल है, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, सर, तो ये जो रिएक्शन है ना, क्या वो सीएल के ऊपर नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर है ना, ये सीएल है, ये सीएल है, ये सीएल है, चलो अब तो दिख रहा है। तो अभी क्या होगा ना, अगर मैं इसको NOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो NOH के साथ रिएक्शन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। क्यों ये रूम टेम्परेचर पर होता है बताओ, तो बताओ रीजंस, ये रिएक्शंस ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो गया इस रिएक्शंस में? इसमें देखो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ रहा था, बट ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये जो ऑर्थो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों कैसे ग्रुप हैं, ये तीनों कैसे ग्रुप हैं, ये तीनों इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजिशन पर है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर होने के कारण इस कार्बन पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, जिससे क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल इसको आसानी से अटैक करेगा, अटैक करेगा। और इस केस में, इस केस में ये तुरंत क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, ये एसिडिफिकेशन भी हम करवा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा, क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। लिख लिए? हाँ सर। यस। देखो इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करते हैं, इसको समझ, देखो क्वेश्चन है, वन इक्विवेलेंट है, क्या वन इक्विवेलेंट, और इसको थोड़ा सा हीट भी करा, थोड़ा सा हीट करा, तो अभी बताओ इन दोनों क्लोरीन में से किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, किसका होगा, इस क्लोरीन का, ये इस क्लोरीन का। अच्छा ये बताओ किस क्लोरीन से अटैच कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशंस पर ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये रेजोनेंस करकर इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर देगा, इस पोजीशन पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में NO2 के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजिशन है,
समझ रहे हो ये चीज, समझ रहे हो या नहीं? यस यस सर। हाँ, तो अभी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हम एक ही इक्विवेलेंट दिए हैं, एक ही इक्विवेलेंट दिए हैं, तो क्या करेगा, ओनली इस क्लोरीन को SN2 एयर रिएक्शन करवाएगा। ये क्लोरीन एज इट इज पड़ा रहे, मतलब प्रोडक्ट क्या होने वाला है, देखो प्रोडक्ट क्या होगा, समझ रहे हो ये चीज। तो ये ओनली यही क्लोरीन का SN2 एयर रिएक्शन होगा, क्योंकि इस कार्बन पर ज्यादा पार्शियल कोएक्टिव कैरेक्टर्स है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस NO2 ग्रुप, एज NO2 इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा होगा। अभी बताओ, वन इक्विवेलेंट ही सप्लाई किए और हिट करा दिए, किसका, कौन सा क्लोरीन या फ्लोरीन का SN2 एयर रिएक्शन होगा? फ्लोरीन का, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ये CN के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन देखिए तो ये पैरा पोजीशन आता है, ये मेटा पोजीशन आता है, तो इस कार्बन पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या करेगा, इस फ्लोरीन को हटा देगा। मींस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बताओ, ये इस केस में प्रोडक्ट यही हो जाएगा, ये Cl एज इट इज रहेगा और यहाँ पर SPH हो गया और ये CN तो लगा ही रहेगा। तो समझ गए होंगे आई थिंक सो, SN2 एयर रिएक्शन इज, मतलब समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यस लिखो, अब थोड़ा सा हम फिनॉल्स को देख लेते हैं, फिनॉल्स को देखो यहीं पर खत्म कर लेंगे फिनॉल्स। तो फिनॉल्स का सबसे पहले हम प्रिपरेशन टेक्निक्स देखेंगे, क्या प्रिपरेशन टेक्निक्स, तो एक प्रिपरेशन टेक्निक्स को अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस बताए थे ना, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब इंडस्ट्री में फिनॉल अगर बनाना रहता है तो हम इसी प्रोसेस से बनाते हैं। क्या करते हैं, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर NaOH, और हम हाई टेम्परेचर प्रेशर टब सप्लाई करते हैं, वो टेम्परेचर प्रेशर भी दिखा के आप लिख देते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड प्रेशर सप्लाई करने से क्या बन जाता है, फिनोक्साइड आयन बन जाता है, और इसका जब एसिडिफिकेशन कराते हैं हम तो क्या होता है, ये जो O- माइनस है H प्लस गेन करके OH बना देता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो इंडस्ट्रियली हम फिनॉल को इस तरीका से बनाते हैं। दूसरा तरीका भी है, देखो दूसरा तरीका, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखो ये फिनॉल्स है, फिनॉल का अगर हम ब्रोमिनेशन करा दे, फिनॉल का अगर हम ब्रोमिनेशन करा दे FeBr3, क्या होगा बताओ प्रोडक्ट, अभी क्या होगा, फिनॉल पर Br आ जाएगा ना, हैलोजिनेशन एक दो क्लास पहले ही बता चुके हैं। अब हम इस पर क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, क्या होगा बताओ, क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इस पर हम क्या करते हैं ना, ये नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, अब इस पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इसका साथ साथ हाइड्रोलिसिस करा देते हैं,
तो ये रिएक्शंस भी ग्रिग्नार्ड डीजे में बताए थे कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन इन प्रदेश ऑफ H3O प्लस कराओगे तो ये फिनॉल बन देता है। क्या बनता है? फिनॉल बनता है। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम फिनॉल का प्रिपरेशन कर लिए, लिख लिए। लिख लिए यस सर। यस तीसरा दे, तीसरा में फ्रेंड्स तीसरा मेथड देखो, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी कर सकते हैं। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन बीडीसी। बीडीसी क्या लिख लेना ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि ध्यान रखना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल होते हैं। अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर हम वाटर डाल दें, पानी के साथ इसको वार्म कर दें थोड़ा सा, या ऐसे वाटर ऐसा लिखा रहेगा हीट, और या सिंपली स्टीम हम पास कर दें, अगर वाटर के साथ थोड़ा सा हीट कर दें या स्टीम लिखा रहेगा डायरेक्टली, अब क्या करोगे? फिनॉल बनाओगे। ये सब चीज याद करना पड़ेगा आपको। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर अगर थोड़ा सा हम स्टीम पास कर देंगे फिनॉल बनेगा। चलो ये भी लिख लिए। नेक्स्ट चौथा देखो, चौथा देखो लैब मेथड। लैब में कैसे बनाए जाते हैं? ये लैब मेथड है। लैब में कैसे बनाया जाता है? हम सबसे पहले लेते हैं बेंजीन, लेते हैं बेंजीन पर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दें तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, यही बता चुका हूँ। सल्फोनेशन रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दोगे तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है, एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड है और ये बेस है, सॉल्ट बनेगा, और इस सॉल्ट बनेगा, देखो बन गया। इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सॉलिड होता है। अगर इस पर हम क्या करें ना अगले बार में, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन करवाए, क्या कराए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन, तब ये क्या होता है? सोडियम फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? सोडियम फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर सोडियम फिनोक्साइड आयन बन गया, हाइड्रोलिसिस सॉरी एसिडिफिकेशन कराओ, फिनॉल बनेगा। तो ये सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कैसे हम लैब बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सल्फोनेशन कराओ, सल्फोनेशन कराने के बाद एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बन रहा है, इसको NaH के साथ अगर फ्यूजन करते हैं हम तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, एसिडिफिकेशन करा दो फिनॉल बन रहा है। तो दिस इज द लैब मेथड, लैब मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल्स। लिख लिए होंगे। अब ये और एक इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा मेथड बना है, फिफ्थ मेथड टू प्रिपेयर प्रिपेयर फिनॉल्स। इसको लिख लीजिएगा फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस, फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो देखो
ये एक देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसी को हम क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को भी हम क्यूमीन बोलते हैं। तो अभी ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो तो क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन जो होता है ये दोनों ऑक्सीजन इस सी एच बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन यहां पर इंसर्ट हो गया, इसी को क्या बोले क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, क्या क्यूमीन या क्यूमीन था, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोपरोक्साइड क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अगर हम इसका डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, देखो समझो ये तीनों कार्बन पर, अच्छा सुनो, ये कार्बन पर जो तीन अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, तो इन तीनों ग्रुप में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो, अच्छा आप ही बताओ मिथाइल और एराइल्स में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, मिथाइल्स और फेनाइल्स में, फिनाइल्स में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, फिनाइल्स का। तो क्या करना है, अगर हम डाइल्यूट SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये तीनों ग्रुप में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास माइग्रेट हो जाता है, और ऑक्सीजन के टूवर्ड्स माइग्रेट हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक तो ये फिनॉल्स बन जाएगा, क्योंकि फिनॉल्स बन जाएगा, और दूसरा ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। समझे बात को, तो यही ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, क्यूमीन परोक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किए तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो ये मेथड्स इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन करवाते हैं, इसको लिख लिए तो जल्दी से क्वेश्चन करवाते हैं। चलो लिख लिए होंगे, तो पहले ए प्रोडक्ट बनाओ, फिर बी बनाओ, फिर सी बनाओ। बना लिए,
बना लिए बोलो। चलो ए तो इजी था, ए क्या करना था, ए बनाने के लिए ऐसा ए बना दिया, ये ए है। अच्छा ये बताओ, ये तीनों ग्रुप में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? ये तीनों ग्रुप में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? जैसा पीछे पढ़ाया हूं मैं, चलो मैं बता देता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो ये ग्रुप क्या होगा, यही ग्रुप ये माइग्रेट यहाँ पर कर जाएगा। मीन्स ये जो बी होगा क्या होने वाला है, बी प्लस, और ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट होगा उससे एसीटोन टाइप का बना, हो गया यही प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो तो ये भी हो गया। उसके बाद दीज ऑल आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स का प्रिपरेशन मेथड है। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनॉल्स सबसे पहला हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या दिखा, ध्यान रखना है, अगर फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कर दे, ब्रोमीन वाटर से कर दे, तो मल्टीपल क्या होता है ना, ये ब्रोमीन होता है मल्टीपल पोजीशन पर ऐड होता है, और आपको ऐसे भी पता है ये जो OH है और दो पैरा डायरेक्टर्स है, तो ये क्या करता है मल्टीपल पोजीशंस पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। अगर इसी फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराए, CCl4 हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अभी ये जो फिनॉल है, ये जो BR है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा और एक बार क्या होगा पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, और आपको ये ध्यान रखना है ये जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर है, क्योंकि इस केस में स्टेरिक रिपल्शन होगा इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर ब्रोमीन वाटर, इसको क्या बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, तो मल्टीपल पोजीशन पर बीआर अटैच हो जाता है, तो ये हो गया। अब अगर हम देखो, आपको ये पता है ये जो OH ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, इसलिए बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो अगर इस OH ग्रुप का अगर रिएक्टिविटी अगर कम करना है तो हम कैसे करते हैं ये समझे, अगर इस OH ग्रुप का रिएक्टिविटी को कम करना है उसके लिए हम क्या करते हैं इसको समझें, वो भी क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो हेडिंग बना ले आप, दैट इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखो ये है आपका फिनॉल्स, फिनॉल्स है, फिनॉल का रिएक्शन हम CH3C डबल बॉन्ड Cl से कराते हैं, या ऐसे भी दिखा सकता है CH3C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड से कराए, तो बेसिकली क्या होता है ना, ये क्या करता है SN2TH रिएक्शन करता है, SN2TH रिएक्शन, SN2TH रिएक्शन क्या,
ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस कार्बोनिन पर अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, बैक डोनेट होगा और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप निकले, ये सब सब लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ये एलजी है, ये सब सब एसिड डेरिवेटिव है। तो कैसे एसिड डेरिवेटिव, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर या इस पर अटैक किया, कार्बन पांच बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, सेकेंड स्टेप में बैक डोनेशन, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, मीन्स क्या हो रहा है इस ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर देखो अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, मीन्स इस पर क्या ऐड हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ऐड हो गया सी डबल। तो अभी हम इस OH का रिएक्टिविटी को कम कर दिए, अभी ये OH पूरा क्या कर रहा था, पूरा ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के अंदर जाकर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। बट अभी क्या है, अभी क्या सिनेरियो है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर एक तो बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है, साथ ही साथ इस ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनिन भी विड्रॉ कर रहा है, जिसके कारण क्या इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कुछ रिंग के अंदर कुछ इधर। तो इसलिए हम बोलेंगे इस बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी कम हो गया है, यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिविटी था, यहाँ पर कम रिएक्टिविटी है। तो अगर अभी अभी क्या करें, अभी भी ये ऑटो पैरा डायरेक्टर ही, अभी अगर इसका हम ब्रोमिनेशन करा दें, Br2Fe के प्रदेश में ब्रोमिनेशन करा दें, तो अभी भी क्या मिलेगा प्रोडक्ट बताओ, ये ऑर्थो प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट दोनों मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट मिला और फिर क्या करा ना हम इसका हाइड्रोलिसिस करा, क्या करा दें हाइड्रोलिसिस करा दें। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, खाने के बाद क्या बन गया देखो, और आपको पता है ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से भी हम ऑर्थो या पैरा फिनोल, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर बीआर ग्रुप को अटैच करते हैं। लिख लिए, ये लिख लिए, लिख लिए, उसके बाद दूसरा रिएक्शन है दैट वन इज नाइट्रेशंस। नाइट्रेशन में क्या होता है देखो, यहाँ पर ये जो फिनॉल्स है, फिनॉल्स का अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करता है 90% जो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिलता है, क्या ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ड्यू टू रिंग क्लीवेज, और ये ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 90% होता है। क्यों होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या किया, इस
जो फिनोल्स है उसके बॉन्ड को क्लिप कर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बना दिया, वो भी 90% से ज्यादा होता है, और 10% जो होता है पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। ये माइनस प्रोडक्ट होता है पिक्रिक एसिड, ये लेस देन 10% पिक्रिक एसिड होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते तो ये बनता है। यहीं पर ये भी रिएक्शन ध्यान रखिएगा, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन, ये भी NCERT बुक में दिया हुआ है, डाइल्यूट HNO3 से करा देंगे तो क्या है OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से, तो एक बार अगर डाइल्यूट से करा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड से कराओगे तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मेजर होगा। और इसमें ये ध्यान रखना है, ये वाला जो प्रोडक्ट होता है मेजर होता है और ये जो होता है माइनर होता है, वही रिपल्सन के कारण, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है यहाँ पर कम रिपल्सन, इसलिए मेजर। लिख लिए, लिख लिए, यस सर, एक मिनट, हाँ लिख लो। हो गया सर। उसके बाद हैलोजिनेशंस हो गया, नाइट्रेशंस हो गया, नेक्स्ट लिखें दैट वन इज सल्फोनेशंस। सल्फोनेशंस सल्फोनेशन, फिनॉल का सल्फोनेशन करा रहे, फिनॉल का सल्फोनेशंस करा रहे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी इंफॉर्मेशंस है। इंफॉर्मेशन क्या है? अगर फिनॉल्स का सल्फोनेशन करा रहे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑर्थो सल्फोनिक एसिड। और अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री रखते हो तो ये इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस अगर देते हो तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है आपको दैट इज पारा पोजीशन पर SO2 जुड़ जाता है, ये मेजर होता है। ये जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज KCP बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना। TCP एक बार और, TCP और KCP की बात किए थे हम, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हायर टेम्परेचर पर, ये जो पैरा पोजीशन पर पैरा सल्फोफिनॉल जो होता है वो स्टेबल होता है, और ये ऑर्थो सल्फोफिनॉल स्टेबल होता है। चलो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। सल्फोनेशन के बाद ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाला है दैट इज रीमर टाइमेन, रीमेन टीमेन रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीमेन टीमेन रिएक्शन। तो इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रीमेन टीमेन फॉर्माइलेशंस, क्या रीमेन टीमेन फॉर्माइलेशंस, और दूसरा पढ़ेंगे दैट वन इज रीमेन टीमेन कार्बोक्सीलेशंस। तो सबसे पहले हम पहला से शुरू करेंगे, फर्स्ट से शुरू करेंगे रीमेन टीमेन फॉर्माइलेशंस।
रिमेन टीमेन फॉर्मलाइजेशन से शुरू करेंगे। एक लाइन में रिएक्शंस कैसे याद रखोगे, देखो फिनॉल्स, फिनॉल्स का रिएक्शंस रिएजेंट ध्यान रखना है CCl3 और प्लस KOH, KOH इसे रिएजेंट कराएंगे। ये अभी से ध्यान रखोगे, ये दोनों रिएक्ट कर एक इलेक्ट्रोफाइल्स बनाता है, दैट वन इज डाइक्लोरोकार्बन्स। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन्स। ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, प्रोडक्ट क्या बनना वाला है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्मलाइजेशन हो जाता है और यह पैरा पोजीशन पर फॉर्मलाइजेशन हो जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस प्रोडक्ट बिकम मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर हो जाता है। तो ये एक लाइन में आप ध्यान रखोगे पहले। इसका मैकेनिज्म्स भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मैकेनिज्म्स ही बताऊंगा। रिमेन टीमेन फॉर्मलेशन, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। चल लिख लिए, अब ये कैसे मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है इसे मैं पहले बताऊं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इसे मैकेनिज्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज डाइक्लोरोकार्बन। ये कैसे होता है, यही CHCl3 है, यही है CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, और ये है आपका KOH। तो एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, ये OH माइनस इस एसिडिक H को लेकर चला जाएगा, और लेकर चला जाएगा तो क्या बनेगा, देखो इस कार्बन पर नेगेटिव कैरेक्टर, ध्यान रखना अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर हो और बगल में अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, Cl इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा, इंटरनल रिपल्शन के कारण ये Cl को बाहर निकाल देता है, और Cl को अगर बाहर निकाल देगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसी को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन बोला जाता है। यही इसका इलेक्ट्रोफाइल है, इस रिमेन टीमेन फॉर्मलाइजेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। ये भी क्वेश्चन से पूछते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ रिमेन टीमेन फॉर्मलाइजेशन, तो क्या बोलना है, डाइक्लोरोकार्बन। चलो ये लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन सिखा दिए, हो गया, लिख लिए मिटाओ। यस सर। हाँ, उसके बाद आगे देखो रिएक्शन कैसे बढ़ता है। ये है आपका फिनॉल्स, ये क्या है आपका फिनॉल्स, फिनॉल्स पहले एसिड बेस रिएक्शन, बेस है KOH है, KOH है ना, तो क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बना, पोटासियम, ये क्या बना, इसको क्या बोलेंगे, पोटासियम फिनोक्साइड है, पोटासियम फिनोक्साइड है। अब ये क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है ना, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। तो ये क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये कार्बन साइड से अटैक करना प्रीफर करता है,
क्योंकि ये क्यों ऑक्सीजन साइड से डायरेक्टली इस डाइक्लोरोकार्बन पर अटैक क्यों नहीं करता है, क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, इसलिए रेजोनेंस कर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और फिर ये क्या करता है, ये फाइनली क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है। क्या बना देखो, ऐसा करने से क्या बना, ऐसा करने से यही बना, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया और यहाँ पर CCl2 अटैच हो गया, CCl2 अटैच हो गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। चलो ये ध्यान रखना है कि पहला इंटरमीडिएट बना, इसमें दो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट, फिर अभी क्या करता है ना, ये जो CCl2 है ये जो है ना ये अपना रिंग एरोमेटिसिटी अपना खो जाए, तो ये क्या करता है ना CCl2 यही हाइड्रोजन को ले लेता है और ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट होता है और ये ऊपर जाता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो, रिंग ने अपना एरोमेटिसिटी गेन किया, रिंग ने अपना एरोमेटिसिटी गेन किया, ये ध्यान रखना है, ये सेकेंड इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट होते हैं, ये भी जैसे जेई एडवांस इससे एग्जाम में पूछ चुका है कि रिमेन फॉर्मलाइजेशन में ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं और ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ता है, आगे क्या होता है, अगर बेसिक मीडियम में अगर OH- के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊं तो ये दोनों जो क्लोरीन दिख रहा है ना ये OH में कन्वर्ट होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl हटेगा और OH आएगा, तो फाइनली क्या हो रहा है देखो यहाँ, यही हो रहा है, ये O- है और इस पर दो OH आ जाएगा, ClOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा और फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा देखो, CH हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दें, हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या हो जाएगा देखो, OH और ये CHO, अगर आपको तो ये ऑर्थो पोजीशन वाला प्रॉब्लम होगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, अगर ये रेजोनेंस कर पैरा पोजीशन पर कार्बन आ जाए, पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर अगर अटैक करे तो पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, तो इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है साथ साथ पैरा प्रोडक्ट बनता है, तो मैं आपको ऑर्थो प्रोडक्ट तो बता दिया हूं कैसे बनता हूं, सिमिलरली आप पैरा प्रोडक्ट भी बना लोगे, इसका नाम ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो सैली सल डिहाइड, ये बता चुका हूं ऑर्थो सैलिसल डिहाइड बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसल डिहाइड, तो इसमें लिख लो, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं रिमेन टीमिन फॉर्मलाइजेशन, जिसमें फिनॉल्स डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्शंस करते हैं ऑर्थो सैलिसल डिहाइड प्लस पैरा सैलिसल डिहाइड बनाता है। और हम ऑर्थो सैलिसल डिहाइड और पैरा सैलिसल डिहाइड को इजी सेपरेट भी कर सकते हैं। लिख लिए, यस सर, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहला इंपॉर्टेंट बातें हैं, की पॉइंट ध्यान रखिए, पहला है इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे बेंजीन पर जैसे बहुत तरह का रिएक्शन बढ़ाए थे ना, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये सब क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। इसलिए इसलिए ये जो रिमेंट इवेंट फॉर्मुलेशन है ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दो इंटरमीडिएट बनते हैं, तो इंटरमीडिएट को ध्यान रखना, इंटरमीडिएट बनते हैं। जो पहला इंटरमीडिएट था मैं बना देता हूं ताकि आप ध्यान रखें उसको। ये पहला इंटरमीडिएट, दूसरा इंटरमीडिएट भी ध्यान रखिए। ये दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा बात क्या, ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो लिख लीजिए। नो सर। हाँ चलो। दूसरा रिएक्शन है इसका रिमेंट इवेंट कार्बोक्सिलेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिमेंट इवेंट कार्बोक्सिलेशन। रिमेंट इमिन कार्बोक्सिलेशन, तो एक लाइन में रिएक्शन पहले याद रखोगे क्या, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम यहाँ पर क्या सीसीएल फोर इन प्रेजेंस ऑफ KOH कराते हैं तो क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, इसको हम सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। दिस वन इज सैलिसाइलिक एसिड और यही मेजर होता है, और पारा वाला भी बनेगा। ये माइनर होता है, इसको बोलते हैं रिमेंट इवेंट कार्बोक्सिलेशन। चलो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद हम कल इसको आगे और प्रोसीड करें। थैंक यू सर।